साथ साथ में
मैं ये तो नहीं कहूँगा जैसे माला माल वीकली एक फिल्म आई उस लाइन के लिए, लेकिन इसमें सोशल मैसेज के साथ हम लोगों ने ह्यूमर को प्रोवाइड किया है एक अलग वे में। बिल्कुल एकदम, ये नई चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी इस पिक्चर को देखने के बाद कोई भी दर्शक ये जरूर बोलेगा कि फलाने वाले सीन से या उसके वाले पहले वाले सीन से या आगे वाले सीन से किसी न किसी एक सीन से उसका जुड़ाव जरूर बनेगा, वो चीज़ उसको याद आएगी। क्योंकि एक परिवार के बाहर जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कैसे कैसे चेंजेज आते हैं, अलग अलग व्यक्ति खुलता चला जाता है, तो उसको उसके बारे में असलियत उन्हीं दिनों में पता लगती है। तो वो सब चीज़ जो है नया ताना बाना इस पिक्चर में जरूर। आप क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी? अरे बूम चलो कैसा बॉर्ड और क्या कहना चाहेंगे मूवी के बाद? कोई प्रेशर नहीं लेके हम लोग आराम से काम करते हैं, कॉमेडी प्रेशर से नहीं हो सकती। आप एंजॉय कर करके काम करो, ये फिल्म भी हमने एंजॉय कर करके की। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब मैंने बोल बच्चन की थी रोहित शेट्टी सर के साथ, तो वो भी फिल्म का हमें पता नहीं चला, मैं ऐसा लगा कि हंसते खेलते फिल्म भी खत्म हो गई। सेम वे ये भी फिल्म हम लोगों ने कहीं हंसते खेलते पता नहीं चला कब खत्म हो गया। बोलो गणपति बप्पा। मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, मैं युविका को बहुत साल पहले, युविका ने मुझे अपनी फोटोग्राफ भेजी थी जब वो नई नई बॉम्बे में आई। मैं युविका को तब से जानता हूँ, तो मैं बहुत खुश था कि युविका साथ में काम करी, और युविका बहुत पॉपुलर भी हो गई। ओम शांति ओम के बाद उसने जो रोल किया था, उसके बाद शी वाज वेरी फेमस। अभी तो मजबली ये कर रही है, आई विश हर ऑल द बेस्ट, आई मीन वेरी प्रिंस, और उनके साथ पूरा प्रॉब्लम हो गई फैमिली ब्रदर का, वो भी आई वॉज वेरी अपसेट हुई, बात की थी उनसे। बट फिर भी वो लोग मेहनत करने लगे, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जेन्युइन कपल जो है एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आजकल जेन्युइन बड़े मुश्किल से मिलते हैं, आजकल तो ये ब्रेकअप हो गया तीसरे के साथ, तीसरे को छोड़ के पांचवे के साथ, ये सब चल रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में युविका और प्रिंस माई थिंक बहुत अच्छे कपल। नहीं मैं शूटिंग तो अभी हम लोगों ने 4-5 महीने पहले ख़त्म कर ली, ये तो युविका ने अभी शुरू किया है। तो अब युविका से भी मुलाकात होगी, आज आ नहीं पाई, वो आई थिंक शी बिजी थी। सर बोलो गणपति बप्पा। आज हमें गणपति राजा का आशीर्वाद मिल गया है, तो हमें पूरी फिल्म अभी से ही सुपरहिट नज़र आ रही है, और गणपति बप्पा के यहाँ से कोई खाली हाथ गया नहीं है। और हम भी ये फिल्म आप लोगों के साथ मिलकर देखेंगे, और ये फिल्म बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सबने बहुत अच्छी मेहनत की है। आप ये फिल्म देखोगे तो बोलोगे कि हम ही इस कहानी के अंदर जुड़े हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और गणपति का आशीर्वाद लेने हम आज आए हैं, और गणपति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। गणपति बप्पा। हमारे सब कलाकार और डायरेक्टर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और फिल्म में जो है मेहनत तो एक्टर्स और डायरेक्टर्स करते हैं, लेकिन पैसा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? पापा से कुछ मांगा है कि कितना बिजनेस करेगी या फिल्म, ऐसा कुछ नहीं? पापा से ये मांगा बस पिक्चर को सक्सेस करे, बस हमेशा सक्सेस दिया है। Okay. इनको कोई ज़रूरत नहीं, तो ये सारे चेक मुझे भिजवा देंगे जब उनके पास पैसा आएगा ओवरफ्लो, तो वो हम लोग बांट लेंगे। हेमंत जी आप बताइए क्या किरदार है आपका, क्योंकि लोगों ने आपको कॉमिक किरदार में देखा है, इस फिल्म में किस तरह का किरदार होगा? जी ये सच्चाई की बात तो है कि कॉमेडी पिक्चर है, तो कॉमेडी रोल होगा, ये तो सत्य हो गया। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद जितना मैंने मेरा अनुभव है, उसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि हर परिवार में, हर घर में
एक पीढ़ी का आदमी ज़रूर ऐसा होगा जिसने इन घटनाओं को जो फिल्म में हमारी हो रही हैं ज़रूर देखा होगा, यानी कि हर परिवार के हिस्से का सिनेमा है ये, पूरे परिवार के साथ आप देख। अच्छा, इसकी एक छोटी मैं कहना चाहूँगा कि आपने इसको मैं एक डेविड धवन काइंड ऑफ फिल्म नहीं बोलूँगा, आपने प्रिया दर्शन की फिल्में देखी होंगी, तो एक्चुअली कास्ट भी वही है जो उनकी होती है फिल्मों में, तो वो टच आपको इस फिल्म में नज़र आएगा थोड़ा सा, तो प्रिया दर्शन काइंड ऑफ अ टच। तो प्रियन सर का एक अलग ही स्टाइल था, माला माल वीकली, हेरा फेरी, भागम भाग या जो भी उन्होंने फिल्में बनाई कमाल की, तो इसमें वो टच आपको डेफिनेटली नज़र आएगा। लास्टली एक बार मुझे गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा।